हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप एक बड़ी क्राइसिस में फंसा हुआ है। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर औंधे मुंह गिर रहे हैं और किसी को ये नहीं पता कि इनमें गिरावट का दौर कब थमेगा। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने शेयरों में जोड़ तोड़ करने, अकाउंटिंग की गड़बड़ियों और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इसके साथ ही एक बड़ी चिंता इस बात की भी पैदा हो गई कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC और देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI का कितना एक्सपोजर अडानी ग्रुप में है। सवाल बार बार ये भी उठ रहा है कि क्या अडानी ग्रुप में अपने इन्वेस्टमेंट और कर्ज के चलते देश के ये दोनों दिग्गज संस्थान कहीं खतरे में तो नहीं आ गए, कहीं अडानी के चक्कर में LIC डूब तो नहीं जाएगी। ये सवाल इस वजह से पैदा हो रहा है क्योंकि देश के लाखों करोड़ों लोगों का पैसा LIC में लगा हुआ है। अब इन्हीं चिंताओं पर सरकार की ओर से जवाब आ गया। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी DIPAM के सचिव तुहिन कांत पांडे ने ये कहा कि LIC के शेयर होल्डर्स और कस्टमर्स को कंपनी के अडानी ग्रुप में एक्सपोजर को लेकर चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी मार्केट में एक डाइवर्सिफाइड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। तुहिन कांत पांडे ने कहा कि LIC का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और इसका इन्वेस्टमेंट कई कंपनियों में और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बदलती रहती है। LIC बाजार में लंबे वक्त के लिए पैसा लगाती है, यानी पांडे ने LIC के इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स को भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि LIC के अडानी ग्रुप में एक्सपोजर से किसी को चिंतित नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, इन्वेस्टर्स के फिक्र को दूर करने की कोशिश वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से भी की गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अडानी ग्रुप के साथ चल रहे मौजूदा विवाद का असर इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस पर पड़ेगा, क्योंकि भारत का बैंकिंग सिस्टम मजबूत है और फाइनेंशियल मार्केट्स अच्छी तरह से रेगुलेटेड है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में सीतारमण ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC ने पहले ही कहा कि अडानी ग्रुप में उनका एक्सपोजर परमिटेड लिमिटेड के भीतर है और वैल्यूएशन में गिरावट के बावजूद वे अभी भी प्रॉफिट में है। LIC के अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों में शेयरों के खरीद की वैल्यू 30,127 करोड़ रुपए है, यानी LIC ने अडानी ग्रुप में इतने पैसे का इन्वेस्टमेंट किया था। 24 जनवरी को LIC के इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 81,000 करोड़ रुपए थी। 24 तारीख को ही हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी। अगर गुरुवार को अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों के बंद भाव के हिसाब से देखें तो LIC के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब लुढ़क कर 43,000 करोड़ रुपए रह गई है। अडानी ग्रुप की कंपनियों को SBI समेत देश के कई बैंकों ने 81,200 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक ने जानकारी देते हुए रिजर्व बैंक को बताया कि अडानी समूह को बैंक की ओर से 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक की ओर से बताया गया कि अडानी समूह को 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज प्रदान किया गया है। हालांकि SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने गुरुवार को कहा कि अडानी ग्रुप की कंपनियां लोन्स को चुका रही हैं और इन्हें बैंक के दिए कर्जों को लेकर कोई तत्काल चुनौती नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में जारी कोहराम और लगातार उठते सवालों के बीच अब आखिरकार सरकार को इस मामले पर बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। खासतौर पर LIC और SBI को लेकर जो फिक्र पैदा हो रही थी, कम से कम उसे लेकर सरकार ने चीजों को साफ कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।